नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं, दोस्तों ये जो घड़ी अभी हमारे सामने चल रही है कोरोना संकट, इससे मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, हर 20 मिनट में अपने हाथ को लगातार 20 सेकंड तक धोते रहिए, अपने परिवार की सुरक्षा का दायित्व आप पर स्वयं पर है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। दोस्तों, भारत अभी भी इस समस्या पर जीत हासिल किए हुए है। इसी कड़ी में मैं आज आपके सामने कुछ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की कोटेशन है, जो जिंदगी बदल दे, तो उन्होंने हमारे जीवन में सफल होने के लिए उनके जीवन का अनुभव का निचोड़ निकालते हुए केवल 10 पॉइंट्स दिए हैं। उन 10 पॉइंट्स के आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि आप उन पॉइंट्स को सुने, अपने जीवन में अप्लाई करें, और हर एक व्यक्ति जो भारतवर्ष का नागरिक है वो उन पॉइंट्स जो उन्होंने निकाल कर दिए हैं उन पॉइंट्स को अपने जीवन में आत्मसात करें। दोस्तों, 10 पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन वो जिंदगी बदल देने में सक्षम है। तो दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का पहला निर्देश, पहला पॉइंट कि मैं अपना अध्ययन और अपना जो भी कार्य आप करते हैं कार्य पूरे समर्पण के साथ करूंगा, पूरे सबमिशन के साथ करूंगा। दोस्तों, पहली बात, मैं अपना अध्ययन और कार्य समर्पण से करूंगा, पूरे सबमिशन के साथ करूंगा। दूसरा जो उन्होंने कहा कि मैं कम से कम 10 ऐसे व्यक्तियों को पढ़ाऊंगा जो लिख पढ़ नहीं सकते। दोस्तों, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, लेकिन फिर भी मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि कलाम साहब का ये जो कोटेशन है कि मैं कम से कम 10 ऐसे व्यक्तियों को पढ़ूंगा जो लिख पढ़ नहीं सकते। दोस्तों, एक और बात, अभी पर्यावरण प्रदूषण में हम सब दूर से ऑक्सीजन तो हमें चाहिए चाहिए, प्राणवायु जिसके लिए हम अक्सर बोलते हैं कि हमें ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, तो उन्होंने वहां भी बहुत अच्छा पॉइंट दिया, तीसरा पॉइंट, कि मैं कम से कम 10 पेड़ लगाऊंगा और उनकी सतत देखभाल करके उनका विकास करूंगा। क्योंकि दोस्तों, हम पेड़ हमारे ऊपर जिंदा रहेंगे ऐसा नहीं है, हम उनके ऊपर, उनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, तो इसलिए हमें कम से कम जीवन काल में 10 पेड़ लगाना अनिवार्य है। चौथा और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है दोस्तों, मैं ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों का भ्रमण करूंगा और कम से कम 5 लोगों को नशे और जुए से स्थायी रूप से विरक्त करूंगा। फिर से दोहराऊंगा, मैं ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों का भ्रमण करूंगा और कम से कम 5 लोगों को नशे और जुए से स्थायी रूप से विरक्त करूंगा। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है, मैं अपने पीड़ित भाइयों के कष्ट को मिटाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहूंगा। दोस्तों, आज जो भारतवर्ष में जो आपदा आई है उसमें डॉक्टर, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी, उनको मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि वो अपने जान को जोखिम में डालकर भी मानव सेवा कर रहे हैं, ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वे हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। दोस्तों, इसी में मैं अपने पीड़ित भाइयों के कष्ट को मिटाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहूंगा, यह हमारा पांचवा पॉइंट। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, डॉक्टर कलाम ने हमारे देश में, चूंकि वो हमारे राष्ट्रपति भी रहे, उन्होंने कहा मैं किसी भी प्रकार के धार्मिक, जातीय या भाषिक भेदभाव का समर्थन नहीं करूंगा। मैं इस कोट को दोबारा रिपीट करूंगा दोस्तों, मैं किसी भी प्रकार के धार्मिक, जातीय या भाषिक भेदभाव का समर्थन नहीं करूंगा। डॉक्टर कलाम की सीख हमारे जीवन में निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उन्होंने सातवां पॉइंट जो दिया है वो इतना गजब है, मैं आपको क्या बताऊं। सातवां पॉइंट है, मैं ईमानदार रहूंगा और दूसरों के अनुगमन हेतु उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। फिर से दोहराऊंगा दोस्तों, मैं ईमानदार रहूंगा और दूसरों के अनुगमन हेतु उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। आठवां पॉइंट, मैं प्रबुद्ध नागरिक बनने की दिशा में कार्य करूंगा और अपने परिवार को ईमानदार और सत्यनिष्ठ बनाऊंगा। मैं सभी महिलाओं का सम्मान करूंगा और नारी शिक्षा का समर्थन करूंगा। फिर से दोहरा रहा हूं दोस्तों, मैं एक प्रबुद्ध नागरिक बनने की दिशा में कार्य करूंगा और
अपने परिवार को ईमानदार और सत्यनिष्ठ बनाऊंगा, मैं सभी महिलाओं का सम्मान करूंगा और नारी शिक्षा का समर्थन करूंगा। मैं नौवां पॉइंट दोस्तों, मैं मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का सदैव मित्र रहूंगा और वे हम जैसा ही अनुभव करें, इसके लिए मैं कठिन परिश्रम करूंगा। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का सदैव मित्र रहूंगा और वे हम जैसा ही महसूस करें, इसके लिए मैं कठिन परिश्रम करूंगा। मैं अपने देश और जनता की सफलता पर गर्वपूर्वक आनंदानुभूति करूंगा। दोस्तों, ये 10 पॉइंट जो कलाम साहब ने हमारे लिए दिए हैं, भारतीय युवाओं में एक अदम्य साहस होना चाहिए, ये बात उन्होंने अपील में कही। और उस अदम्य साहस से यहाँ पर उन्होंने कहा कि आपके जीवन में सफल होने के लिए आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य पर आपको अमल करना चाहिए। यदि आपको आपके लक्ष्य पर पहुंचते समय समस्याओं का सामना करना पड़े तो उन समस्याओं पर हावी हो जाइए, उनको पराजित कीजिए और सफल हो जाइए। दोस्तों, राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति में से एक है युवा। युवा मतलब जो जिसमें वायु के समान बल हो। युवाओं के उत्साहित मस्तिष्क धरती पर, धरती के नीचे, धरती के ऊपर और सर्वत्र महानतम स्रोत है। जब अदम्य साहस के साथ उत्साहित मस्तिष्क कार्य करेंगे तो एक संपन्न, सुखी और सुरक्षित भारत निश्चित रूप से बनेगा। दोस्तों, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने हमें ये जो 10 पॉइंट्स दिए हैं, इन 10 पॉइंट्स को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। और कैसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना हो दोस्तों, इन परेशानियों के सिर पर पैर रखकर हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।